हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज, आप सब सोच रहे होंगे मैं इतनी सज की रही हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ, मतलब आज जा रही हूँ प्रमोशन के लिए। शिवानी यादव और हीरो का नाम मैं भूल गई क्या है, तो उनका गाना लॉन्च हो रहा है जीजा जी, तो इस वजह से वहाँ प्रोग्राम है। तो उन्होंने मुझे इन्वाइट किया है, चेतन सर ने, उनसे भी आपको मिलवाऊंगी जाके, तो इसलिए मैं हुई हूँ। और मैंने पहना है शरारा सूट, ये मम्मी लाई थी मेरा 1-2 साल पहले, और ये मैंने आज दूसरी बार पहना है, जो काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है, एकदम फिट आया है। और बस सिंपल हुई हूँ मैं तैयार, ब्रेसलेट पहनी है, ये छोटे से बटरफ्लाई के टॉप्स पहने, देखो सुबह से इसी में लग रहे हैं। और हमें जाना था 12:30 बजे, लेकिन हम हो गए काफ़ी लेट, क्योंकि पहले मेरा भाई कह रहा था कि मैं चलूँगा तेरे साथ, लेकिन उसको काम आ गया तो अब वो नहीं जा रहा। तो अब छोटा भाई जा रहा है आरुष, तो अभी कैब हो रही है, कैब आ जाएगी फिर हम जाएंगे। और पता नहीं वहाँ कैसा होगा सब, क्योंकि कौन है, जा रहा हूँ क्योंकि बहुत देर तरीके से देख रही है मुझे क्योंकि ऐसे में, तो अभी वहाँ जाके देखते हैं कि कौन मिलता है, जानने वाला कोई नहीं मिलता है, कितने क्रिएटर मिलेंगे, क्या होगा। तो बाकी अभी उसके बाद पता चलेगा जाने के बाद। मेरे घर से लोकेशन है 1/2 घंटे की लोकेशन है, तब तक हम पहुँच जाएंगे उसके। तो गाइस, हम आ चुके हैं अभी कैब में, और अभी काफ़ी देर का रास्ता है, अभी मिल गया है आरुष मैं, कितने टाइम का रास्ता है, हाँ अभी हम 1/2 घंटे में पहुंच जाएंगे, यहाँ से 12-13 किलोमीटर है। तो अभी गर्मी भी काफ़ी हो रही है, उसके बाद देखते हैं फिर क्या होता है जाके, तो आपसे मिलते हैं वहाँ जाने के बाद। और ये है अनुराग, जिन्होंने हमारा बहुत अच्छे से वेलकम किया था, हमें गेट पर मिले थे। और एंट्री करते ही मुझे मिल गई मेरी नई दोस्त, जिसके साथ में फिर पूरे दिन रही, फ्रेंड बन गई हम। फिर यहाँ लोकेशन इतनी अच्छी थी कि मैं उससे कंट्रोल ली हूँ, और मैंने लिए बहुत सारे फोटो, और फिर मैं आरुष को ना एंगल बता रही थी कि ऐसे नहीं ऐसे ले। इसके बाद में मिली कशिश दीदी से, इन्होंने आती मुझे पहचान ली, फिर हमने बहुत सारी बात की। मैं इनसे कह रही थी कि आप ना बहुत पतले हो गए फिर उन्होंने बोला चलो दीदी से मिलवाती हूँ। फिर मैं मिली प्रेरणा दीदी से, वो ना थोड़ा सा भूल गई थी, लेकिन बाद में उन्हें याद आया कि हाँ 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 तो वो जो होली पर मिली थी। फिर आइए देखो, बड़े बड़े टेडी है, कितने क्यूट लग रहे थे, इन्हें देखने में और इसमें से देखो एक की आवाज़ निकल गई। इसके बाद मैंने बनाई सर के साथ रील, जिनका गाना है न्यू जीजा जी, जो बहुत अच्छा सॉन्ग है। फिर हम दोनों ने बैठ के बहुत सारी रील बनाने स्टार्ट कर दी यहीं पे। और इनको तो आप सब जानते होंगे, सलोनी दी को, इनका ना अकाउंट हैक हो गया 2-3 दिन से, तो हम उस बारे में बात कर रहे थे, लेकिन इनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मैं इनसे पहली बार फिर आए चेतन सर मेरे पास, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया था। इनसे तो मैं इवेंट के 1/2 घंटे, मतलब बहुत देर बाद मिली, इन्होंने मुझसे बहुत सारी बात की। अभी बनाऊंगी, अभी वो कुछ ना कुछ करने जा रहे हैं ना, तो वो भी गायब हो गए, फिर दस्त हो गए, इतने सारे क्रिएटर तो बन नहीं पा रहे, दो बना दे, भी बनाऊंगी मेरे को बता दे। और इतना डांस करने के बाद ना बहुत तेज भूख लगी, फिर हम आ गए खाने के पास। भाई भूख बहुत तेज लगी।
और यहाँ हम दोनों खाते खाते भी इतनी मस्ती करे थे ना। इनका नाम है मोनिका, इनसे मेरी इतनी अच्छी दोस्ती हुई कि हम पूरे इवेंट में दोनों साथ ही रहे, साथ ही खाना खाया, साथ ही डांस किया, फिर खाते खाते भी इतनी वीडियो बनाई, एक दूसरे को जाना बहुत अच्छा लगा। वैसे भी ये भी अकेली आई थी इवेंट में, मैं भी अकेली आई थी, फिर बस हमने एक दूसरे के साथ ही मजे लिए दोनों ने। अभी हम जा रहे हैं घर, अभी तो कैब भी करनी है, उसको ट्यूशन भी जाना है, पानी की बोतल झूठा मुझसे कह रहे थे चलो जल्दी घर से, तो अभी हमने पानी की बोतल ले ली साथ में, मुंह लाल हो गया इतना। इधर करो कोई, अरे अभी चलेंगे, मेरी तो करना है फोटो दो क्लिक। अरे यार बस एक कर देना, यहाँ कर दूंगा, कर दो। तो गाइस हम बैठ चुके हैं कार में, बहुत तेज गर्मी हो रही है, बहुत तेज वाली। ये बैठा है आरुष, इस बार ना पीछे बैठा है ये, और सच में बहुत थक गए, हील पहन रखी थी ना तो पैर भी बहुत अजीब से हो गए, ख़राब हो गए मेरे ना, छिल जाते हैं पैर, तो ऐसे हो गए। अभी हम घर जा रहे हैं, कैब में एसी भी नहीं है, देखो शीशा खोल रखा है। अभी हम जा रहे हैं घर, बाकी सब कुछ अच्छा था, बहुत सारी हील बनाई, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर से मिली मैं, बहुत अच्छा लगा जाके और कुछ अलग लगा। लेकिन अभी बाकी सारी बात घर चेक करेंगे जब चेंज कर दूँगी, अभी ना बहुत थक गई ना, बहुत चुभ रहा है मेरे सुन के, अभी पहले घर जाते हैं फिर बात करते हैं। हाँ तो गाइस फाइनली हम आ गए हैं घर, मैं आरुष, आरुष तो आते ही बाहर खेलने चला गया और मैंने चेंज किया और फेस वॉश किया, क्रीम लगाई, और बस अब भाभी मेरे लिए बनाना शेक बना रही है, उसको पीऊँगी। और घर में इतना शोर हो रहा है ना, मम्मी ने ना देखो मशीन लगा रखी है, सारे घर में कपड़े कपड़े हो रहे हैं क्योंकि अब गर्मी ज़्यादा है, तो मम्मी पहले ऊपर थी ना मशीन, तो अब मम्मी ने कपड़े धोने की मशीन नीचे लिया है, तो और ये भाभी लाएंगे मेरे लिए शेक, धन्यवाद नहीं दूंगा मैं। हाँ रोज बनाती है। तो बस अगर मैं वहाँ की बात करूँ तो बस जाके अच्छा लगा, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर मिले, और मेरी मम्मी बोली आके, मम्मी ने मुझसे सब पूछा कि तुझे किसी ने पहचाना, मैंने कहा नहीं मम्मी, मुझे तो सिर्फ एक लड़की ने पहचाना था बस, वो भी आके बोली नाइस वीडियो, मतलब अच्छी वीडियो बनाते हो, मैंने कहा थैंक यू, बस जान जाएंगे धीरे धीरे, कोई बात नहीं। बाकी सब मिले, मैं भी उनसे मिली, डांस वगैरह किया काफ़ी सारा, वो तो आपने देख लिया होगा सबका डांस, और बस वैसे काफ़ी अच्छा लगा। और मेरे घर के पास में था तो आने जाने में इतनी दिक्कत नहीं हुई, जल्दी गई थी जल्दी आई थी, अभी वही थी घर 6 बजे, आके बस सारा काम करके फ्री होके बात कर रही हूँ आपसे, तो बाकी बस दिन अच्छा रहा, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।